नमस्कार। कक्षा 12 की सिलेबस है 172 में और वेव ऑप्टिक्स चल रही है अपनी, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हमने पढ़ लिया था, अब बात कर रहे हैं हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। ये जो दो टॉपिक हम पढ़ेंगे अब, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या और दूसरा हम बात करेंगे परावर्तन की व्याख्या, दोनों टॉपिक बड़े क्वेश्चन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ये मान सकते हैं इस चैप्टर का पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो बड़े क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। तो ये आप साथ में नोट कर ले इस बात को कि एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या महत्वपूर्ण है, ये दोनों हम करेंगे। इसके लिए देखो, हमें अपवर्तन की व्याख्या करनी है तो हमें सिद्ध करना है कि हाइगेंस के सिद्धांत से अपवर्तन का नियम हम प्राप्त कर सकते हैं। और अपवर्तन का जो नियम है वो क्या है? स्नेल का नियम। तो सिंपल ये भी कह देते हैं कि सिद्ध कीजिए स्नेल का नियम, सिद्ध कीजिए स्नेल स्लो सिद्ध करो। नो, जनरली यही कहा जाता है अपवर्तन के नियम का सत्यापन कीजिए। तो सत्यापन का मतलब हमें क्या सिद्ध करना है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू या एन, जो भी हम लिखते हैं वो सिद्ध करना है। दूसरी बात, परावर्तन में जब हम बात करेंगे तब हम बात कर लेंगे उसके अंदर। तो परावर्तन का एक ही नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, आई इज इक्वल टू आर, तो वो सिद्ध करना है। अभी हम इसकी बात करते हैं। इसके लिए देखो, आधी बातें तो हमें दी जाएगी, वो एज्यूम करनी है, फिर उसके अंदर हमें क्या करना है, कैलकुलेशन अप्लाई कर देनी है और रिजल्ट हमें पता होना चाहिए क्या निकालना है। दो बातें, तीन बातें हैं। पहली बात, जो दी गई है वो अप्लाई करनी है, दूसरा उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी है, और तीसरा हमें पता होना चाहिए फाइंड आउट क्या करना है। तो इसके लिए अपने पास क्या है, एक अपवर्तक सतह है, इधर बना देता हूं मैं, ये एक अपवर्तक सतह है एक्स वाई। यहां कोई समतल तरंगागर जो है वो आपतित हो रहा है, समतल तरंगागर आपतित हो रहा है। यहां ये जो कोण बन रहा है वो क्या है? आपतन कोण है। ये सब बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो टॉपिक है उसी पे बात करेंगे। ये कोण क्या है? आई है, आपतन कोण। हमेशा किसके साथ बनता है? अभिलंब के साथ बनता है। ये मान लेते हैं माध्यम एक है, ये मान लेते हैं माध्यम क्या है? दो है। इसका अपवर्तनांक क्या है? एन वन, और इसके लिए क्या है? एन टू है। समतल तरंगागर है तो यहां से सामने वाली भुजा पे लंब डाल दें तो ये पीछे का दो पार्ट है वो समतल हो गया, पूरा समतल हो गया। इसे बिंदु दे दें ए, तो ए बी जो है वो एक समतल तरंगागर है, ये एक समतल तरंगागर है ए बी, और इसे सी तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। यहां इसका वेग अलग है, दूसरे माध्यम में अभी अपवर्तन नहीं हुआ है, अभी तो आपतित हो रही है प्रकाश किरण। जब अपवर्तन होगा तब उसके अंदर हम बात कर लेंगे कैसे होगा। ये डायग्राम ही समझना है ध्यान से, इसके अंदर डायग्राम हमें समझ में आ जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल ही सिंपल सी है, बस त्रिभुज का नियम लगाने, साइन आई और साइन आर के मान निकालने, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, हमें पता है, वही अप्लाई करना और कुछ नहीं है। कोणों का इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि कोण किस प्रकार से होंगे। मैं दो टुकड़ों में इसका डायग्राम बना रहा हूँ, फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि कैसे सॉल्यूशन होगा इसका। इसके लिए देखो, जब ये कोण आई है तो हमें इस कोण का मान बताना है कितना होगा। देखो, ये समतल तरंगागर है तो ये कोण आई है, ये भी आई है, ये आई है, तो इसके इधर वाला कोण कितना बचेगा? 90 माइनस आई, ये 90, क्योंकि ये 90 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, ये लंब डाल दिया तो ये तो गया 90, तो इन दोनों का योग कितना बचा? 90 बचा, दोनों का 90 बचा। 90 में से अब देखो, ये इसका मान अगर हम निकालें तो ये क्या है, इस तरह से है, ये समतल है, इस तरह से है, तो ये पूरा कोण तो कितना होता है? 90 डिग्री। इसमें से ये इस तरह से आ रही है प्रकाश किरण, तो इधर वाला हमने लिख दिया, ये तो क्या आपतन कोण है, हमें पता है आपतित किरण का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण होता है, जो आई है। तो इधर वाला कितना बचा? टोटल 90 था, 90 में से ये तो आई हो गया और ये क्या हो गया? 90 माइनस आई। ये चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेंगे तो पता चल जाएगा, और परावर्तन के सत्यापन में भी यही बात आएगी, फिर यही बात आएगी। इसलिए ये कोण हमें पता होना चाहिए क्या है। अब देखो, ये 90 माइनस आई है तो ये क्या होगा? आई होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों का योग 90 है,
तभी तो ये 90 माइनस आई होगा, दोनों का योग 90 है, इसलिए ये कोण क्या हो गया, आई हो गया। वैसे हमें इस कोण की जरूरत नहीं है, ये हमने इस कोण को ज्ञात करने के लिए निकाला है। फिर भी कन्फ्यूजन हो तो और ही सिंपल मेथड कक्षा 3 का लगा दो इसके अंदर, कि भाई इन इसका इसका और इसका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये कोण हमें पता नहीं, अब तो हमने ज्ञात कर लिया ना, मान लो समझ नहीं आया, हमें पता नहीं है, तो हम क्या, जिस जो पता नहीं है उसको क्या मान लेते हैं, सबसे बढ़िया काम है ये, जो पता नहीं है उसको क्या मान लें, x, क्योंकि x परमानेंट काम है, वो मान लो और फिर सोल्व कर लो। तो इन तीनों का योग कितना होगा, तो ये तो 90 डिग्री लंब है, प्लस ये हो गया x जो हमें पता नहीं है, ये हो गया 90 माइनस आई, ठीक है, और बराबर क्या हुआ, 180। 90 और 90 कितने हुए, 180, और इधर भी कितने हैं, कट गया, और माइनस आई है उधर आगे क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया, आई। तो इसका मान क्या आ गया, वैसे सिंपल सी कैलकुलेशन है, इतना ज़्यादा कोई बात गणित है नहीं कोई, आर्यभट्ट वाले इसके अंदर। अब देखो ये तो आगे कैलकुलेशन यहाँ तक की बात, अब जब माध्यम बदलता है तो वेग भी बदलता है, ये माध्यम अलग है, ये इसको मान लेते हैं कौन सा माध्यम है, ये मान लेते हैं सघन माध्यम है, जो इसका अपवर्तनांक N2 है, इसका N1 है। ठीक है, तो इस माध्यम में प्रकाश का जो वेग है वो V1 है, और इस माध्यम में जो प्रकाश का वेग है वो बदल के V2 हो जाते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ये इतनी वैल्यू को अगर हम मान निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, इतनी वैल्यू का मान कैसे निकाल सकते हैं, दूरी है, ये क्या है, चाल है। इतनी दूरी तय करने में कुछ समय लगेगा, वो समय क्या है, टी है, समय क्या है, टी, सबको सीक्वेंस में हम लिख लेंगे। तो समय, दूरी और चाल में सिंपल सा फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, और चाल बराबर दूरी बटे समय, तो क्या आएगा, V1 बराबर दूरी कितनी है, BC बटे क्या है, टी, तो BC बराबर क्या आ गया, V1 इंटू टी। इसका मतलब इस BC का मान क्या लिख सकते हैं हम, V1 इंटू टी, क्या लिख सकते हैं, V1 इंटू टी, ये BC का मान है। अब देखो ये तो गई ऊपर वाली वैल्यू की बात, कैलकुलेशन हम कर लेंगे, कैलकुलेशन में सीधा हमें क्या लगाना है, साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण, लंब ये हो गया BC, कर्ण ये हो गया। अब BC का मान कैसे निकालना है, चाल का सूत्र सबको पता है सिंपल, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसमें क्या करना है, इसमें अपवर्तन भी तो होगा, अभी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपनी पथ से विचलित हो जाती है, ये तो अपवर्तन होता है। और क्या होता है, जब विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ती है, तो इधर जानी चाहिए थी तो क्या हो जाएगी, इधर मुड़ जाएगी, ये भी क्या होगी, इधर मुड़ जाएगी। अपवर्तित किरण का जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, आर, और इस कोण का नाम क्या है, अपवर्तन कोण। क्लियर, अब इसको सोल्व करने के लिए थोड़ी सी हम रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन, पर मैं सोल्व करते हैं ना 8वीं 9वीं में, तो उसमें एक रचना करते हैं, रचना, वैसे इसको भी सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन लेंगे, रचना लेंगे। तो उसके लिए क्या करें, BC जितनी डिस्टेंस है BC, उतनी दूरी का चाप लेकर, उतनी दूरी का त्रिज्या लेकर, उतनी दूरी की, और क्या करेंगे, चाप लगा देंगे प्रकार से। तो यहाँ से ये इस तरह से लगा देंगे हम क्या, चाप, पूरा भी बना सकते हो पूरा चाहो तो, डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और अब इस पर इसकी स्पर्श रेखा खींच दें जो सी तक जाएगी, स्पर्श रेखा खींच दें, स्पर्श रेखा त्रिज्या की हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है, पता है, ठीक है, ये पढ़ा ना, यहाँ से कैसे बनाते हैं स्पर्श रेखा, देखा ना ये डायग्राम, स्पर्श रेखा ऐसे बनाते हैं 6ठी क्लास में, तो ये क्या होती है, स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या के लंबवत होती है, चाहे त्रिज्या कहीं भी हो, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 90 डिग्री कोण ही तो बनाएंगे, तभी तो वो स्पर्श रेखा बनेगी, ये 60 का 120 का, फिर इसका आधा आधा कर देते हैं और ये बन जाता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये यहाँ से स्पर्श रेखा खींच देंगे हम इस पर, और स्पर्श रेखा हमेशा ये इस जो हम व्रत बना रहे हैं, इस व्रत की ये क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या, और त्रिज्या से यहाँ पर इस खींची गई स्पर्श रेखा इसके लंबवत होती है, तो ये कोण कितना बढ़ेगा, 90 डिग्री का, और ये बिंदु क्या है, डी है। बस एक मिनट, आया अभी,
ये क्या है, बिंदु डी है, क्लियर। अब बात कर रहे हैं इसके अंदर ये कोण भी चाहिएगा हमें, इसको मैं मिटा देता हूँ समझने के लिए, हमने लिखा था 90-i, कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन हो जाएगी वरना। अब देखो त्रिभुज ए डी सी में हमें ये कोण भी चाहिए, क्योंकि साइन आई और साइन आर की फॉर्म में हम निकालेंगे। अब ये कोण कैसे निकालें, जैसे इधर से निकाला था ना आई, वही तरीका नीचे लगेगा, वही तरीका इधर लग गया। ये तो हो गया 90 डिग्री, इसमें से ये कोण हो गया आर, तो इतना क्या बचा 90-r, तो ये तो 90 है ही। अब 90-r है, इसका मतलब इधर वाला क्या होगा r, ठीक है, तो ये कोण क्या हो जाएगा r हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी आप ध्यान रख सकते हो सिंपल कि ऊपर ये जो कोण है ये i होगा, ये r होगा, लेकिन कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो गलतियां नहीं होंगी और हमेशा पता रहेगा कैसे करना है। ये डायग्राम हमें समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं है इसके अंदर बस। इसी तरह परावर्तन में भी, इसीलिए आप इसको समझ लेंगे तो परावर्तन तो एक मिनट में ही समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर ये इसमें कन्फ्यूज़न रहेगी तो उसमें भी फिर दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप इसको क्लियर कर ले पहले क्या है ये, ठीक है। अब यहाँ से इसकी दूरी ए डी की जो दूरी निकालें तो वो क्या होगी, वो वी टू टी हो जाएगी, क्योंकि इसमें इसमें कितना है मान, इसमें वेग वी टू है। तो हम क्या मान लिया, हमने क्या माना है, सबसे पहली बात तो माना एक्स वाई एक अपवर्तक सतह है, जिस पर समतल तरंगागर ए बी आपतित होता है, समतल तरंगागर ए बी आपतित होता है, ठीक है। तरंगागर को बी सी दूरी तय करने में, तरंगागर को थोड़ा सा थ्योरी जो है वो आप लिख लें इसके अंदर, तरंगागर को बी सी दूरी तय करने में टी समय लगता है तथा इसका वेग वी वन है, क्लियर। सघन माध्यम में प्रकाश का वेग वी टू है, सघन माध्यम में ये बातें आप लिख लें, माध्यम में प्रकाश का या तरंगागर का वेग, तरंगागर लिख लें प्रकाश की जगह वी टू है, तो क्या होगा वी वन बराबर बी सी अपॉन टी, तो यहां से क्या आ गया बी सी बराबर वी वन इंटू टी, समीकरण नंबर एक दे दें। दूसरे माध्यम की बात करें तो सघन माध्यम में, सघन माध्यम में क्या आएगा v2 इज इक्वल टू ए डी अपॉन टी, तो ए डी इज इक्वल टू क्या आ गया v2 इंटू टी, तो कैलकुलेशन तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब हम क्या करें, दोनों में हमें क्या पता है, हमें पता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू होता है, हमें ये पता है, तो हम क्या करें साइन आई और साइन आर के मान निकाल लें, आई के लिए आई वाला त्रिभुज है, आर के लिए आर वाला त्रिभुज है, दोनों के मान निकाल लेंगे और वैल्यू रख देंगे वहाँ, ठीक है। और फिर बराबर क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, अपवर्तनांक आना चाहिए, वो आ जाएगा। इसके लिए त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लें, ए बी सी से क्या आएगा साइन आई इज इक्वल टू, साइन आई इज इक्वल टू क्या होता है पूरा लिख दे तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब क्या होता है कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ये लंब है बी सी और कर्ण क्या है ए सी है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, कर्ण ये है, दोनों में कॉमन रहेगा कर्ण ये है ए सी, बी सी का मान क्या है तो साइन आई इज इक्वल टू क्या आ गया बी सी का मान है वी वन टी अपॉन ए सी, ऐसा कैसा रख दो समीकरण नंबर तीन दे दो, चाहो तो वी वन टी का मान लिख दो ए सी, ठीक है, या ए सी का मान निकाल दो, ए सी दोनों में आएगा तो ए सी इससे भी ए सी आएगा उससे भी ए सी आएगा, तो दोनों की एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगी, कैसे भी कर लो कैलकुलेशन का कोई मैटर नहीं है। आप यहाँ से ए सी का मान निकालेंगे तो साइन आई डिवाइड में आ जाएगा, इसमें भी इस त्रिभुज में भी ए सी आएगा, उसमें भी ए सी निकाल लेंगे, तो दोनों में ए सी का मान निकाल लिया इसलिए दोनों की एल एच एस बराबर, तो दोनों की आर एच एस भी बराबर कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। दूसरा तरीका ये जो हम कर रहे हैं कि साइन आई निकाल लो साइन आर निकाल लो, भाग दे दो साइन आई बटे साइन आर,
हमें पता है ना स्नेल के नियम की LHS क्या होती है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन, ठीक है, तो बराबर एन आना चाहिए, वो हम निकाल लेंगे। दूसरी बात, त्रिभुज ए सी डी से क्या आएगा, साइन आर इज इक्वल टू वही लंबर टेकर्ण ए डी अपॉन क्या आएगा ए सी, ए डी का मान क्या है वी टू टी अपॉन ए सी, तो इसको ऐसा कैसे रख लेता हूँ मैं, यहाँ आगे कैलकुलेशन करते हैं, तीन में चार का भाग दे दो, तीन में चार का भाग देने पर क्या आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, साइन आई का मान ये है वी वन टी अपॉन ए सी, और साइन आर का मान ये उल्टा हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ए सी अपॉन वी टू टी, तो ये टी से टी कैंसिल आउट हो गई, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू। आप इसको यहाँ भी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक परिभाषा है, माध्यमों के वेगों का अनुपात जो होता है वही अपवर्तनांक होता है, ये भी है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि वी नो दैट वी टू वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू एन, खत्म, ये साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। समीकरण नंबर दे दें पाँच, इसे ये आ गया, या थोड़ा सा हम इसको और सोल्व कर सकते हैं, दूसरी परिभाषा हम क्या पढ़ते हैं कि नॉर्मली जो डेफिनेशन लिखते हैं कि प्रकाश का निर्वात में वेग और माध्यम में वेग का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है, ये परिभाषा बुक्स में रहती है इसकी, ठीक है, किसका वेग, प्रकाश का निर्वात में वेग सी और माध्यम में वेग, यानी सी अपॉन वी जो होता है वो एन के बराबर होता है, तो यहाँ से अगर एन वन कहें तो सी अपॉन वी वन कहेंगे तो एन वन होता है, और सी अपॉन वी टू कहेंगे तो, और हमने ये पढ़ा है कि एन टू अपॉन एन वन होता है वो माध्यम दो के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक होता है, जिसको क्या लिखते हैं, इसका हमने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, तो अगर एन टू अपॉन एन वन आ जाए तो भी क्या होता है वो एन के बराबर होता है, और वो कब आएगा, जब सी अपॉन वी टू और सी अपॉन वी वन आएगा। अब सी है नहीं इसके अंदर, तो समीकरण पाँच में सी से गुणा और सी से भाग कर दो, समीकरण पाँच में सी से गुणा व भाग करने पर, कोशिश करें कि आप इसको छोड़ दें, ठीक है, और यहीं से सोल्व करें इसको, बाकी वैसे यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ तक भी हम इसे सोल्व कर सकते हैं, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी अपॉन वी टू इंटू वी वन अपॉन सी, ऐसे लिखेंगे, तो सी अपॉन वी, सी अपॉन वी एन के बराबर होता है, ये बात ध्यान रखें, सी अपॉन वी किसके बराबर होता है, एन के, तो एन टू अपॉन एन वन लाना है हमें, एन टू अपॉन एन वन, तो एन टू कब आएगा, सी अपॉन वी टू ऊपर होगा, इसको ऐसा कैसा रखो, और इसको इसके भाग में ले जाएं, ले जा सकते हैं ना, क्योंकि भाग वाले वैल्यू को गुणा में करते हैं तो क्या हो जाती है, वो रिवर्स हो जाती है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं सी अपॉन वी टू बटे सी अपॉन वी वन, लिख सकते हैं भाई, ये इसको उल्टा करेंगे तो ये तो आएगा ऊपर, उल्टा करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी ना, लेकिन अब ये किसके बराबर हो गया है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सी अपॉन वी टू तो बराबर हो गया एन टू के, और सी अपॉन वी वन वो बराबर हो गया एन वन के, तो इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन, जो किसके बराबर होता है, एन के, अतः फाइनल वैल्यू क्या आ गई, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, और ये क्या है, समीकरण छः किसको व्यक्त करती है, समीकरण छः स्नेल के नियम को व्यक्त करती है, बस हो गया सिद्ध, तो आप यहाँ तक भी इसको कर सकते हैं यहाँ भी, लेकिन कोशिश करें कि आप ऐसा ना करें, तो आप इसको अकॉर्डिंग टू बुक्स फोरम ही हम ले लेते हैं, तो इस फोरम में आप इसको सोल्व कर लें, अदरवाइज़ यहाँ तक भी सही है, ये भी गलत नहीं है, क्योंकि इससे रिजल्ट वही वहीं पहुँचते हैं, दो माध्यमों के वेगों का अनुपात ले लो तो भी वही वैसे ही आएगा, एक माध्यम की बात करें अलग अलग बात करें तो पर्टिकुलर किसी माध्यम के अपवर्तनांक को कैसे परिभाषित करते हैं, उस माध्यम में प्रकाश का वेग निर्वात में ले लो, निर्वात की साथ तुलना कर लो, निर्वात में वेग और उस माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात ये होता है, तो यहाँ c अपॉन वी टू ले लें दूसरे माध्यम के लिए, और c अपॉन वी वन ले लें वो पहले माध्यम के लिए, तो ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो गया n2, ये पहले माध्यम का अपवर्तनांक हो गया n1,
और एन टू अपॉन एन वन को ही क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, एन की। इसके अंदर फिर बता देता हूँ मैं, ये डायग्राम महत्वपूर्ण है, आप ये डायग्राम ज़रूर समझ लें तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे परावर्तन की व्याख्या, तो परावर्तन में भी हम इसी तरह का डायग्राम बनाएंगे, ये नहीं होगा। वहाँ परावर्तन सतह के लिए क्या यूज़ किया जाता है, दर्पण यूज़ किया जाता है, तो हम दर्पण यूज़ करेंगे उसके लिए, दर्पण, दर्पण से सोल्व करेंगे उसको। इसलिए इसको आप प्रैक्टिस कर लें तो कल की क्लास में दिक्कत नहीं आएगी, वरना फिर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकती है समझने में। बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसको रिवाइज़ कर लें। थैंक यू।